नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वीर शोरों को आखिरी सलाम। जी हां, सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। इससे पहले जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस अस्पताल से उनके आवास लाया गया। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीडीएस विपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वहीं से पहले ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम सलामी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ LS लीडर को उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी है। तो साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जवान जो हैं वो मरा नहीं करते, जवान अमर रहते हैं। देश आज नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है, अंतिम दर्शन कर रहा है, लेकिन ये अंतिम दर्शन सौभाग्य से मिलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो जवान हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब पालम एयरपोर्ट ये पार्थिव शरीर पहुंचे थे, परिवार यहां पहुंचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और वीरों को यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि दी गई। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज की तस्वीरें कुछ इस तरह सामने आ रही है कि ब्रिगेडियर लीडर को मुखाग्नि दी गई उनके बेटी द्वारा, वहीं दूसरी तरफ जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, उनकी पत्नी का भी पार्थिव शरीर वहीं पर रखा गया है। तो तमाम बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। नरेंद्र अजीत डोभाल भी पहुंच रहे, राहुल गांधी यहां पहुंच रहे थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी पहुंचे और श्रद्धा सुमन यहां पर अर्पित किए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आखिरी सलाम यहां किया जा रहा है, आखिरी बार उन्हें नमन किया जा रहा है और आखिरी विदाई जो है उन्हें दी जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद CDS विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनकी पत्नी का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिवंगत जनरल रावत को खोना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मातृभूमि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सदैव याद किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं कि जनरल रावत का यूं चले जाना कहीं ना कहीं अपूर्ण क्षति है, लेकिन देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कई बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इसके अलावा जो परिवार है, जो गम में है, उन्हें भी ढांढस बंधाने की कोशिश की जा रही है। तो देश दिल्ली के उपराज्यपाल भी पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा तमाम और लोग हैं जो पहुंच रहे हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि 11 बजे से उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास पर अंतिम विदाई के लिए रखा गया था। फिलहाल करीब 12:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, उसके बाद इनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो देश के लिए ये गहरी क्षति है। 3 दिन से देश में गमगीन माहौल है। यूं चले जाना विपिन रावत का कहीं ना कहीं लोगों को कसोट रहा है, गला रुंध रहा है, आंखें नम हैं, लेकिन देश के, भारत माँ के ऐसे वीर सपूत को हर कोई नमन कर रहा है। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें। जब ये दुखद खबर सामने आई थी और देश कहीं ना कहीं गम में डूब गया था, हर कोई सलामती की दुआ मांग रहा था, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब कल
पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचे और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिवार से बात की। दोनों बेटियां जो हैं बिपिन रावत की, वो भी यहां पर मौजूद थी और कहीं ना कहीं ताबूत को चूमती हुई नजर आ रही थी। आंखें नम थी, रोती बिलखती नजर आई, लेकिन हाँ देखा जाए तो अंदर से मजबूत। उन्हें पता है कि उनके पिता देश के लिए, उन्होंने जान गंवाई है और देश के लिए वो लड़ते रहे और देश के लिए ही आज मर मिटे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखेंगे तो एलएस लिडर का अंतिम संस्कार किया गया, उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी है। तो मुख्य सलाहकार थे जनरल बिपिन रावत के, लिडर, जिनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। वहीं चौथी तस्वीर में आप देखेंगे कि सीडीएस बिपिन रावत को आखिरी सलाम किया जा रहा है। ये चारों तस्वीरें बेहद गम का माहौल है, गमगीन माहौल है, एक डर जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि है, लेकिन एक शक्ति जो है वो भी कहीं ना कहीं देश को मिल रही है। क्योंकि कहा जाता है कि कारगिल युद्ध हो, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें मुख्य भूमिका यहाँ पर बिपिन रावत ने निभाई थी। इसके अलावा एक खास मंत्र जो है वो देश को दिया था, आधुनिक शक्ति के साथ किस तरह से देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाए, इसको लेकर बिपिन रावत लगातार मुखर रहते थे और यहाँ पर दुश्मनों को भी करारा जवाब देते थे, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, करारा जवाब दिया करते थे। तो ऐसे में कहा जाता है कि बहुत लोगों ने उनसे सीखा, उनके बहुत स्टूडेंट्स रहे, उन्होंने भी बहुत सीखा और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, हमारी यादों में रहेंगे और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम रखा जाएगा। पहले सीरियस जिन्हें देश के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने जाना। आगे तैयारियां हैं कि अब देश को नया सीरियस दिया जाएगा, लेकिन जनरल बिपिन रावत को कोई भुला नहीं सकता, उनके बलिदान को कोई भुला नहीं सकता है। जिस तरह से उन्होंने सेना को इतने साल दिए और यहाँ पर ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, तो वीर शेर सलाम। और ये चार तस्वीरें चलजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश की बार बार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीन दिन से देश में माहौल गमगीन है, देश की हर आंखें जो हैं वो नम हैं, लेकिन दिलों में वो जज्बा है, वो जुनून है जो बिपिन रावत में हुआ करता था जब तक वो जिंदा थे। और कहीं ना कहीं जाते जाते एक खास शक्ति जो है वो देश के नाम कर चुके हैं। कहा जाता है कि उन्होंने आधुनिक शक्ति जो है वो देश को दी है, आधुनिक मंत्र जो हैं किस तरह से सेना में होने चाहिए वो उन्होंने दिए हैं। ये चार तस्वीरें बेहद कचोटती हैं, रुलाती हैं, लेकिन दिलों में, मनों में और आत्मा पर कहीं ना कहीं एक छाप छोड़कर जाती है कि देश को ऐसे वीर सपूतों की ज़रूरत है और इसी तरह देश के वीर सपूत माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते रहेंगे। क्योंकि जवान जो हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर रहते हैं, उनकी अमर गाथा हमेशा युगों युगों तक याद रहती है। ये चार तस्वीरें बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, इन चार तस्वीरों को समझने की कोशिश करिए। ये तस्वीरें उस वक्त की जब हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हुआ और ये खबर सामने आई और इसके बाद बेहद दुखद ये तस्वीरें सामने आई थी। कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो दिखा नहीं सकते थे। फिलहाल जांच जारी है कि आखिर कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्या कमी थी, क्या तकनीकी खामी थी। ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल चुका है, उसके द्वारा जानकारी जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई कि यहाँ जो जनरल बिपिन रावत की निधन है वो कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है, लेकिन इन बातों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन आज जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद ही भावपूर्ण हैं, बेहद ही गमगीन करने वाली हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की आप प्रेजेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं जब पालम एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचे, एक के बाद एक तमाम ताबूत यहां पहुंचे। जिसने भी ये तस्वीरें देखी उसका दिल भर आया था, आंखें नम थी, गला रुंध गया था, आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन जो यहाँ पर परिजन मौजूद थे वो सिर्फ और सिर्फ शांत खड़े होकर आखिरी बार इन ताबूतों को तखते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने परिवार से मुलाकात की, हर किसी से मुलाकात की, हर किसी को ढांढस बताया, खास करके बिपिन रावत की जो दोनों बेटियां हैं उनको ढांढस बताया। बिपिन रावत की दोनों बेटियां ताबूत देखते ही रोती हुई नजर आई, ताबूत को चूमती हुई नजर आई, जो तस्वीरें काफी ज्यादा देखने के लिए मिली है, जिन तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिल जो है वो रो पड़ा था। फिर ये आज की तस्वीरें जब
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए। उनका जो बिपिन रावत का शरीर है, पार्थिव शरीर, वो रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। तमाम बड़े चेहरे यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। इसके अलावा आंखें जो हैं वो नम है, एक शांति जो है वो पूरे देश में दिखाई दे रही है, एक सन्नाटा सा है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि देश के वीर सपूत को हमने खोया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। और ये जो शौर्य भरा सफर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में जन्मे सीडीएस बिपिन रावत, शिमला के सेंट एडवर्स स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। ये उनका जो सफ़र है वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज अंतिम सफर पर ये निकले हैं। नेशनल डिफेंस अकेडमी से स्नातक किया है। अंतिम सफ़र पर जानना ज़रूरी है कि अंतिम सफ़र तो है लेकिन ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। 16 दिसंबर 1978 को सेना में नियुक्त किए गए और तब से ही सेना को, वो सेना में जाकर देश के लिए सेवा कर रहे हैं। पहली नियुक्ति 11 गोरखा राइफल्स में हुई थी और तब से लेकर अब तक तमाम जो बड़े पद हैं उन्होंने संभाले हैं। IMA में स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित उन्हें किया गया है और हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। तो पूर्वी भारत से लेकर कश्मीर तक तैनात रहे, यानी कि देश के कोने कोने तक अपनी सेवा जो है बिपिन रावत ने दी है। देश का कोना नहीं बचा जहां उन्होंने अपनी सेवा ना दी हो। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख बने थे और तब से अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए नजर आए। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बने बिपिन रावत। ये पहला जो पद है, अनोखा पद, 31 दिसंबर 2019 से CDS के पद पर रहे थे। अब हमारे बीच नहीं है लेकिन ये सफ़र बेहद शानदार रहा। पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक के रणनीतिकार रहे। तो पाक के आतंकी शिविर ध्वस्त कराए गए। सेवा करते रहे, माँ भारती की सेवा करते रहे। 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ। हालांकि उनकी सलामती के लिए देश भर ने दुआ मांगी लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वक्त ये नहीं चाहता था, वक्त को ज़रूरत थी कि अब बिपिन रावत जो हैं हमारे बीच नहीं रहे हैं। हर कोई उन्हें याद कर रहा है, हर किसी की आँखें नम हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माहौल गम का है लेकिन जो गर्व है, जो भरोसा है वो हमेशा से रहा था और आगे भी रहेगा। ऐसे ही वीर सपूतों की ज़रूरत है देश को, माँ भारती के लिए जो लगातार अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपनी ताकत को बुलंद करते हैं, अपनी ताकत से दुश्मनों को कहीं ना कहीं पस्त कर देते हैं। तो नम आँखों से योद्धाओं को नमन किया जा रहा है। ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी भी रोती हुई नज़र आई और उनकी बेटी कहती हैं कि भले ही उनके पिता अब ना रहे हों लेकिन उनकी यादें और उनका जो शौर्य है वो हमेशा बना रहेगा। इसके अलावा लगातार और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, CDS बिपिन रावत की आवाज़ की। और ये वो तस्वीरें हैं जब ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम संस्कार किया गया, उनका, उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी थी। और ये तस्वीरें अपने आप में झकझोर देती हैं, ये तस्वीरें गम में डाल देती हैं, तस्वीरें आंखें भर देती हैं। लेकिन अगर माँ भारती की बात की जाए तो माँ भारती के लिए जब भी सेना में कोई भी शख्स जाता है तो
तो माँ भारती के लिए जीने मरने की कस्में तभी खाई जाती हैं और आखिरी दम तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब पालम एयरपोर्ट पार्थिव शरीर पहुँचे और ये देखिए तस्वीरें, परिवार जो है अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन उन्हें भी फक्र है किसी को अपने पिता पर, किसी को अपने पति पर, किसी को अपने बेटे पर। हर किसी को फक्र है कि इतने सालों तक उन्होंने माँ भारती की सेवा की है, इतने सालों तक दुश्मनों को कहीं ना कहीं लोहा मनवाया है। इसके साथ कहा जा सकता है कि अब जो तस्वीरें हैं वो हमें रुला जरूर रही है, लेकिन हमें ये भी एहसास करा रही है कि ऐसे वीर सपूत देश को मिले, ऐसे वीर देश को मिले जिन्होंने अपनी प्राण नौछावर देश के लिए की है। दो दिन पहले तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। तब जानकारी मिली कि सीडीएस बिपिन रावत भी उसी में सवार थे, उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। तब हर किसी की धड़कनें जो हैं वो रुक गई थी, हर कोई सलामती की दुआ मांग रहा था, लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर। उसके बाद कल जो है उन्हें अंतिम विदाई दी गई और फिर शाम के वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनके जितने भी अधिकारी थे उन सभी के जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचे, और उसके बाद आज अंतिम सफर जो है सभी का खत्म होने जा रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर पार्थिव शरीर हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, डीएनए जांच से उनकी पहचान होगी, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह हादसा कैसे हुआ, ये हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जानकारी मिली थी कि तकनीकी खामी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वहीं अगर बात की आशना की, आशना जो ब्रिगेडियर लीडर की बेटी जिन्होंने मुखाग्नि दी, वो कहती हैं कि मेरे पापा हमेशा जोश में रहा करते थे, मेरे पापा का जोश जुनून था, वो हमेशा देश के लिए रहता था। तो ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं, परिवार को दुख है लेकिन परिवार को गर्व होता है कि ऐसे परिवार से वो आते हैं, ऐसे शख्स के परिवार से वो आते हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। चार तस्वीरें फिर हम आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर क्रैश की। अंदाज़ा ना था कि ऐसा दिन आएगा और ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वक्त और होनी को कोई नहीं टाल सकता। और दूसरी तस्वीर पार्थिव शरीर जब दिल्ली पहुँचे, तीसरी तस्वीर एलिस लीडर का अंतिम संस्कार, उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी और इस दौरान वो बहुत हिम्मत बटोरे हुए थी, बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने अंतिम संस्कार किया। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहले भी कहती आई हैं कि मेरे पिता जो हैं हमेशा जोश में रहा करते थे, हिम्मत में रहा करते थे और हर वक्त तैयार रहते थे माँ भारती की सेवा के लिए। चौथी तस्वीर में आप देखेंगे सीडीएस बिपिन रावत को आखिरी सलाम दिया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आखिरी सफ़र पर हैं बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत। और अब से कुछ ही देर बाद उन अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो की जाएगी। फिलहाल एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली है, ये हमारे लिए, आपके लिए और देश के लिए गर्व की बात है कि ऐसे वीर सपूत भारत में हैं जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त हर क्षण माँ भारती की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज आखिरी सफ़र पर कहा जा सकता है कि आखिरी सलाम जो है सभी को दिया जा रहा है। 13 लोगों की इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, इस हादसे में जान चली गई। बेहद ही भीषण ये हादसा था, दर्दनाक हादसा था। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी हेलीकॉप्टर क्रैश की, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरह से ये आग लगी थी। आसपास के स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी तब तक। सभी जो अधिकारी इसमें शामिल थे, जो सीडीएस बिपिन रावत थी, उनकी पत्नी थी मधुलिका रावत, वो
80-85% तक जल चुके थे और बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें थीं। लेकिन कहा जा सकता है कि जो माँ भारती की सेवा में लगा रहता है वो हर वक्त, हर पल, हर एक क्षण माँ भारती के लिए कुर्बान रहने के लिए तैयार रहता है। तो लौट के नहीं आ सके लेकिन दिलों में हमेशा रहेंगे। इससे पहले भी एक बार CDS विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश के शिकार हो चुके हैं, लेकिन तब वो खुशकिस्मत थे, तब उनकी किस्मत ने साथ दिया, लेकिन इस बार उनकी किस्मत साथ नहीं दे पाई। तो कई पीढ़ियों से देश सेवा से परिवार जुड़ा रहा है, परिवार से कई जाबाज शूरवीर जो हैं वो निकले हैं। पिता लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए थे और खुद CDS पहले देश के पिता की यूनिट में ही पहली नियुक्ति उन्हें मिली थी। इसके अलावा उनके दादा त्रिलोक सिंह ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार रहे हैं। तो परिवार हमेशा, परिवार ही पीढ़ी जो है वो देश सेवा में हमेशा से ही लगी रही है। पिता डिप्टी आर्मी चीफ रहे, जनरल रावत 43 साल सेना में रहे। तो ये कहा जा सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो देश की सेवा जो है सेना में रहकर परिवार करता रहा। तो अंतिम यात्रा पर ये योद्धा है, दिलों में हमेशा बना रहेगा और कोई भुला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी शख्सियत, पहले CDS, पहला पद और इतना बड़ा पद उन्हें मिला, पदभार बहुत अच्छे से निभाया। 2019 में पदभार ग्रहण किया, ज़्यादा वक्त नहीं हो पाया लेकिन जितना भी वक्त दिया, पूरी मेहनत, लगन, दृढ़ निष्ठा से लिया और इसी बदौलत उन्हें सराखों पर हर कोई बिठा रहा है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है नमाखों से। इसके अलावा देखा जाए तो क्योंकि परिवार ही हमेशा से सेना से जुड़ा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ अकेले नहीं, पूरा परिवार जो है वो माँ भारती के लिए हमेशा खड़ा रहा, माँ भारती के लिए हमेशा तत्पर रहा, माँ भारती के लिए हमेशा प्राण नौछावर करने के लिए तैयार रहा। तो ये एक आखिरी सलाम, ये खास पल जो है वो CDS विपिन रावत के लिए और ये सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो देश उन्हें दे रहा है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से भी हम श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। जितने भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में अधिकारियों का निधन हुआ है उन सभी को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। ये तस्वीरें जिन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप उठी, लेकिन मन में जज्बा और ये था कि गर्व है हमें ऐसे वीर सपूतों पर जो माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, माँ भारती के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो फिलहाल जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा हुआ है अंतिम दर्शन के लिए। अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। देश इस आखिरी सफर पर उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे कुछ और बड़ी खबरें।